अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रोज न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अनीस। सबसे पहले रोज हेडलाइन। इमरान फारूक कत्ल केस, स्कॉटलैंड यार्ड टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 6 रुकनी टीम की कयादत स्टोर्ट माइकल कर रहे हैं। पाक अफगान सरहद के करीब अमरीकी ड्रोन हमला, तालिबान अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की मुतजाद इतला। मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक नहीं कर सकते। पेंटागन का कहना है कि तालिबान अमीर अमन मुजाकरात में बड़ी रुकावट था। तालिबान की जानिब से भी मुल्ला अख्तर की हलाकत की तरदीद। पाक अफगान सरहद के करीब अंगूर अड्डा के मकाम पर चेक पोस्ट की तामीर मुकम्मल। पाक फौज ने कंट्रोल अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले कर दिया। नवाज शरीफ के रहने का इखलाकी जवाब खत्म, इस्तीफा नहीं मांग रहे। पनामा लीक्स की तहकीकात तक किसी और को वजीर आजम बना दिया जाए। इमरान खान का मिजाज कुछ नरम सा हो गया। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इफ्तिखार हुसैन चाह तहरीक इंसाफ में शामिल। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का पहला वर्कर्स कन्वेंशन, 3 जून को मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह का ऐलान। मुस्तफा कमाल कहते हैं किसी को दुश्मन बनाकर अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। आज मुल्क भर में शबे बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद में नवाफल का खसूसी एहतमाम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज़।